नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तंत्र महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ में बात करूंगा कि कोरोना का घर पे इलाज कैसे हो सकता है। देखिए, रेमडेसिविर का ऐसा पक्का रोल अभी तक पाया गया नहीं है। एक्चुअली असली ट्रीटमेंट जो कोरोना की है वो है ऑक्सीजन और स्टीराइड्स। क्या होता है कि 100 केसेस यदि कोरोना के डायग्नोज हो गए, 90% लोगों का घर पे इलाज हो जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। इतना ख्याल में हमने रखना चाहिए कि पहला दिन कौन सा है, फर्स्ट डे लक्षण आने का। क्या होता है कि गले में खरासी, थोड़ा सा नाक में गिल्लापन आना या जुकाम, सर्दी, ऐसा कुछ हो गया तो पहले 1-2 दिन वैसा हो सकता है, या फिर कभी टेस्ट निकल जाना, मुंह की टेस्ट नहीं है, और यूजुअली बुखार 3रे दिन आता है। अब देखिए कि पहले 1-2 दिन तो ऐसे ही चले गए, ख्याल दिया नहीं, मगर 3रे दिन बुखार यदि आ गया, जिस दिन बुखार आ गया उस दिन लोग करते हैं काउंट कि वो पहला दिन है, वो पहला दिन नहीं है, वो 3रा दिन हो गया, यदि आपको पहले कुछ लक्षण है तो। अभी जिस दिन बुखार आ गया तो आपने देखना है जी कि बुखार कितना है। यदि बुखार 100 के नीचे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर पे रह के उसका इलाज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप तुरंत RT-PCR करवा लो, RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो सवाल ही नहीं है, मगर निगेटिव आ गया इसका मतलब कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। निगेटिव RT-PCR 10-30% लोगों में आ सकता है। बुखार है, जुकाम सर्दी थी, उसके बाद में बुखार आ गया, अनलेस प्रूव अदरवाइज वो कोरोना ही है, ऐसा समझना है और उसका इलाज चालू करना है। अभी आपने क्या करना है कि 100 के नीचे यदि बुखार है तो घर में रहो, बाकायदा पैरासीटामोल की गोली आप लेते हो, 650 मिलीग्राम की गोली, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आप ले सकते हैं, जिससे आपका बुखार उतर जाएगा, बॉडी में दर्द होगा, बदन में दर्द है, सर दर्द है वगैरह, वो निकल जाएगा। और आपने क्या करना है कि कम से कम 3 बार आपने थर्मामीटर खरीदो और थर्मामीटर से आपका बुखार नापने का है। बुखार 100 के ऊपर चले जाता है तो घर में मत रहो, फिर जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना। मगर ये भी पैरासीटामोल लेना है और घर पे भी आप इलाज कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने मन से इलाज नहीं कर रहे, आपके डॉक्टर की सलाह लेके आप घर पे इलाज कर रहे हैं। तो थर्मामीटर से दिन में 3 बार 4 बार टेम्परेचर गिनने का है, वैसे ही आपने पल्स ऑक्सीमीटर लाने का है और पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन देख सकते हैं, SpO2 लेवल। आपके SpO2 लेवल यदि 94 के नीचे आती है तो फिर उस समय आपने तुरंत घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाके आप टेम्परेचर के साथ में आपने आपकी SpO2 लेवल भी जांचना है, सेचुरेशन कितना है ऑक्सीजन का, सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन वो कितना है। उसका एक पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है, वो उंगली के ऊपर रखना है, फिक्स करने का है, और उसमें देखना है कि भाई उसका SpO2 लेवल अपना कितना है। यदि वो 94 के ऊपर है, कोई चिंता का काम है नहीं, चिंता ही करने का नहीं। तो दिन में 3 बार 4 बार आप SpO2 नापो, थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर नापो, और इसमें कुछ भी खतरे वाली बात नहीं है, घर में पैरासीटामोल खाओ और आराम करो। यदि आपको दमा नहीं लग रहा है, सांस नहीं फूल रहा है, चिंता का काम नहीं, SpO2 लेवल आप मॉनिटर कर रहे हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं। यदि आपकी 94 के नीचे SpO2 लेवल जाती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अभी उसके लिए करना क्या। तो आप क्या कर सकते हैं कि घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाके ऑक्सीजन ले सकते हैं, वो 1 से 2 लीटर 4 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकता है और आपका ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल आ जाएगा, या आप घर पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लाके ऑक्सीजन ले सकते हैं, ये घर में इलाज हो जाएगा। यदि आपके पास में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है या ऑक्सीजन नहीं है और आपका जो SpO2 लेवल है वो 91 और 94 के बीच में है तो कुछ चिंता की बात नहीं है। प्रोन पोजिशन में, मतलब छाती के ऊपर लेटना है, छाती के नीचे तकिया लेना है, ताकि ये जो पार्ट है लंग्स का उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, सभी लंग्स काम करेंगे, और फिर आधा पौन घंटा सवेरे शाम आप यदि सोते हैं तो आपका लेवल फिर 94 के ऊपर चले जाएगा और कोई चिंता का काम है नहीं। मगर ये प्रोन पोजिशन में यदि होता नहीं है, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर घर में लगा के भी 94 के ऊपर नहीं आ रहा है, या घर में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है 94 के ऊपर, तो आपको फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। ये भी जो है ये अपने कंसल्टेंट से, अपने डॉक्टर से पूछ के ही घर में इलाज करना है, मगर आप घर में एकदम सेफली रह सकते हैं। आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ आपको बुखार है और बाकी सर्दी जुकाम है, आप बिन दिक्कत बाकायदा घर में रहो, कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। पैरासीटामोल ले लो, उसके साथ साथ आप विटामिन सी ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आने वाला है नहीं। विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अभी ये क्या होता है कि आपको डॉक्टर, हो सकता है कि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से क्या होता है, एंटीबायोटिक्स से आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है,
मतलब क्या होता है कि कोरोना आपका इम्यूनिटी कम करता है और जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में भी होंगे, वातावरण में भी होंगे, वो फटाक से पकड़ लेंगे और आपको और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है और ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए हो सकता है कि डॉक्टर आपको प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक देंगे, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, फिर फेविपिराविर जो एंटीवायरल है वो भी आपको दवा दे सकते हैं डॉक्टर, और पैरासीटामोल तो कंटिन्यू करना ही करना है, तो ये दवाई आप ले सकते हैं एज ए प्रिवेंशन। और अभी तक रेमडेसिविर का रोल आया ही नहीं है, मतलब आप घर में लेने की जरूरत भी नहीं है, एंटीवायरल पे एंटीबायोटिक के ऊपर मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें 5 दिन आपके चले गए, 5 दिन में आपको सिर्फ बुखार है, आप मेंटेन है, आपका अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, मेमोरी ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है दिमाग के ऊपर, बाकी बुखार के अलावा बाकी कोई सिम्टम नहीं है, आप बाकायदा घर में रह सकते हैं। 6वां दिन आ जाएगा, अभी हो सकता है कि डॉक्टर आपको देंगे स्टीरॉइड्स। अभी स्टीरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है, ये केमिकल नेम है, और प्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम पर डे मुंह से दे सकते हैं, घर में रहना है तो मुंह से देना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। फेविपिराविर का डोज जो है वो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, वो लेना है और वो भी लेके आप घर पे इलाज कर सकते हैं। तो 6वें दिन से लेके 10वें दिन तक आप स्टीरॉइड्स बाकायदा ले सकते हैं। स्टीरॉइड क्या करता है? स्टीरॉइड्स जो है वो आपकी इम्यूनिटी जो है, मतलब आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा स्टीरॉइड, मगर इतना भी हमको इम्यूनिटी को बूस्ट करना नहीं कि फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब हमको दोनों तरफ बैलेंस देना है, बैलेंस देखने का है कि भाई स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा सप्रेस भी नहीं करना है इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी सिस्टम को, और मतलब उसको स्टिमुलेट करने का, स्टिमुलेट करने के बाद उसको फाइट करने के लिए, कोरोना के खिलाफ उसको प्रवृत्त करने का है, प्रेरित करने का है, तो वो काम स्टीरॉइड करते रहते हैं। अभी हो सकता है कि स्टीरॉइड के साथ साथ आपको डॉक्टर देंगे ओमिप्रेजॉल। वो होता है कि भाई स्टीरॉइड पेट में गैसेस तैयार करता है, पेट अपसेट हो जाता है, तो डॉक्टर देंगे ओमिप्रेजॉल की टैबलेट या कैप्सूल, और वो कैप्सूल यदि आप ओमिप्रेजॉल के लेते हैं तो उससे स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट बच जाएंगे। यदि आपको डायबिटीज है तो स्टीरॉइड बहुत केयरफुली लेना जरूरी है, क्योंकि स्टीरॉइड से शुगर बढ़ जाती है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना स्टीरॉइड लेने का नहीं है। स्टीरॉइड लेने के पहले अपना ब्लड चेक कर लो शुगर के लिए। अभी 10 दिन हो गए, अभी डॉक्टर क्या करेंगे कि घर में ही आपको 11वें दिन से 15वें दिन तक स्टीरॉइड का डोज जो है वो 40 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम कर देंगे और साथ साथ स्टीरॉइड देंगे। अभी इसमें रेमडेसिविर का रोल बहुत ज़्यादा है नहीं, अलग अलग जगह के अलग अलग रिपोर्ट्स है। हो सकता है ऐसा कहा जाता है कि रेमडेसिविर जो है वो आपका हॉस्पिटल स्टे जो है वो 10 दिन से 8 दिन तक लाएगा, मतलब इतना ही फर्क है, 10-20% फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा, ये तो वो भी हमको मालूम नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी भी वैसा है कि प्लाज्मा थेरेपी भी कितना रोल है प्ले करते हैं वो हमको मालूम नहीं है। तो रेमडेसिविर प्लाज्मा थेरेपी इसलिए बहुत मारामारी चालू है, गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया है रेमडेसिविर का और लोग पागल जैसे उसके पीछे है, काला बाजार चालू है, मगर इतना करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर लोग बिना रेमडेसिविर कोरोना का इलाज करते हैं। एक्चुअली कोरोना में क्या है, कोरोना में स्टीरॉइड्स और ऑक्सीजन बहुत अहम है। आपको 90 के नीचे यदि SpO2 लेवल जाता है, कोई हालत में घर में रहने की जरूरत नहीं है, आप सीधा हॉस्पिटल में जाओ। इसलिए आपने क्या करना है कि 91-94 के बीच में आप खेल रहे हैं तो आपने क्या करना है कि अपना हॉस्पिटल कौन सा है, कहाँ जाना चाहिए, हॉस्पिटल के नंबर क्या है, वहाँ बेड है कि नहीं है, ऐसी सब जानकारी तैयार रखनी चाहिए। 90 के नीचे आता है ऑक्सीजन तो घर में बिल्कुल ही रहना नहीं है। हाई रेजोल्यूशन कॉम्प्यूटर टोमोग्राफी HRCT या डी डायमर या ब्लड टेस्ट ये आपको करने की जरूरत नहीं है यदि आप घर पे हैं तो, हॉस्पिटलाइज करने के बाद में डॉक्टर ही आपका ये सब टेस्ट करवा लेंगे। घर में जब आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पियो, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, उसमें नींबू शक्कर और नमक डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉल पाउडर जैसा वो हो जाएगा, और वो आप 3-4 लीटर लेते हैं तो आपको उससे बहुत इम्यूनिटी बढ़ने के लिए मदद होंगी। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे आपका बुखार है इसलिए आप घर पे हो, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है, आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं है, बहुत खांसी है, बहुत ज़्यादा और कुछ इन्फेक्शन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने SpO2 चेक करना है, आपने थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक करना है, यदि टेम्परेचर 100 के ऊपर चले जाता है तो हॉस्पिटलाइज, यदि 90 के नीचे SpO2 आता है हॉस्पिटलाइज, यदि 91-94 के बीच में भी SpO2 रहता है, 100-100 के नीचे यदि बुखार रहता है तो आप डॉक्टर की सलाह से घर पे इलाज कर सकते हो, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। थैंक यू वेरी मच।